टीवी सीरियल एक्टर शिवांगी जोशी इंडस्ट्री की एक बड़ी स्टार हैं। एक्ट्रेस ने अपने सुपरहिट शो ये रिश्ता क्या कहलाता में नायरा का किरदार निभाकर करोड़ों दिलों का दिल जीता था। एक्ट्रेस शिवांगी जोशी इसके बाद खतरों के खिलाड़ी से लेकर बालिका वधू 2 जैसे सीरियल्स में भी नजर आ चुकी हैं और लोगों का खूब एंटरटेन कर चुकी हैं। अब सुनने में आया कि एक्टर शिवांगी जोशी इंडस्ट्री के ही एक हैंडसम हंक के साथ रिश्ते में है। जी हाँ, माने तो ये रूमर्स स्टार कपल बीते कुछ महीनों से एक दूसरे को डेट भी कर रहे हैं, जिसके बाद शिवांगी जोशी के फैंस में खलबली मच गई है कि आखिर वो कौन खुश नसीब होगा जिसे शिवांगी जोशी डेट कर रही हैं, वो कौन है जिस पर शिवांगी जोशी का दिल आया है। सामने आ रही लेटेस्ट खबरों में कहा जा रहा है कि अदाकारा शिवांगी जोशी अपने टीवी सीरियल बालिका वधू 2 के लीड स्टार रणदीप रॉय को डेट कर रही है। इस बारे में शिवांगी जोशी के करीबी ने बताया कि शिवांगी और रणदीप बालिका वधू 2 की शूटिंग के दौरान एक दूसरे के संग फॉर्मल रिश्ते में थे। प्यार को रास्ता इस शो के खत्म होने के बाद मिला। करीब 3 महीनों से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लगता है कि दोनों अपने रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा सीरियस भी हैं। दोनों कई बार एक दूसरे की बिल्डिंग में भी स्पॉट हुए, साथ ही कई जगहों पर एक साथ ही दिखाई दिए। हालांकि खुद एक्टर शिवांगी जोशी इस खबर का खंडन कर चुकी हैं। एक्ट्रेस ने कहा कि नहीं, ये सच नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये खबरें कहां से आ रही हैं और लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। जबकि रणदीप ने कहा कि मैं और शिवांगी सिर्फ दोस्त हैं, मेरे कुछ ही दोस्त हैं और इनमें से एक है शिवांगी। इधर ये सितारे फिलहाल किसी बड़े प्रोजेक्ट में नजर नहीं आ रहे हैं। इन दोनों का टीवी सीरियल बालिका वधू 2 इसी साल फरवरी में करीब 6 महीने तक चलने के बाद बंद कर दिया गया था। मैं आपको बता दूं, शिवांगी जोशी और मोहसिन खान को लेकर भी गुजरे वक्त में काफी खबरें आ चुकी हैं। ये दोनों सितारे टीवी सीरियल ये रिश्ता में एक साथ नजर आए थे और कई वीडियोस में इनको देखकर ऐसा लगा था कि ये सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। बाद में दोनों के ब्रेकअप की खबर आई तो दोनों के अफेयर की खबरें लंबे वक्त तक चलती रही थी। हालांकि एक्ट्रेस ने इस बात पर कभी कोई राय नहीं दी है और ना ही कुछ कहा है। फिलहाल आप शिवांगी जोशी के इस नए रिश्ते के लिए और नई जिंदगी के लिए क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पीपल मैगजीन ने अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, मेरा दिल ये पुकारे आजा गर्ल 3 लाख में अपनी ग्रीन ड्रेस बेच रही है। पीपल मैगजीन के इस पोस्ट पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी राय भी दे रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि ये लड़की अकेले ही पाकिस्तानी की इकोनॉमी को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, रिस्पेक्टेड। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 3000 का सूट 3 लाख में, और इसने खुद ये 300 से ज्यादा बार पहन लिया होगा। वहीं एक्टर उमर आलम ने मेरा दिल ये पुकारे आजा गर्ल का सूट खरीदने की इच्छा जताई है। उमर ने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कहा कि मुझे लूज होगा, नहीं तो मैं ले लेता। हालांकि इसी के साथ उमर ने हंसने वाली इमोजी भी बनाई है। मतलब कुल मिलाकर आयशा का मजाक भी बन रहा है और उनके डांस की भी खूब फनी वीडियो देखी जा रही है। लोहर की रहने वाली आयशा एक फेमस टिकटॉक स्टार है और रातों रात वो कैसे फेमस हो गई वो तो आप सभी ने देखा ही है। इंस्टाग्राम पर उनके 705 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। उनके वीडियोस अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। बता दें, आयशा का ये वायरल वीडियो उनकी सबसे अच्छी दोस्त की शादी का है, जहां मेहंदी फंक्शन के दौरान उन्होंने डांस परफॉर्मेंस दी थी और उन्हें ये नहीं अंदाजा था कि ये डांस उनका न केवल देश में बल्कि विदेश में भी खूब फेमस होगा। और अब आयशा की हर एक फोटो पर लोग खूब अपनी अपनी राय दे रहे हैं। उनके इंस्टा अकाउंट को लोगों ने खूब छान लिया है और हर एक फोटो पर लोग कॉमेंट कर रहे हैं। और आयशा का कुर्ता जो कि हर किसी की नजर में आ गया, इतना लूज, वाकई इनके कुर्ते पे तरह तरह की बातें भी हो रही और लोग फनी वीडियो भी बना रहे हैं। आप इनके कुर्ते को लेकर क्या कहेंगे और आयशा का डांस मेरा दिल ये पुकारे आजा आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। हमें यकीन है कि आपने भी अब तक इस गाने पर कोई ना कोई रील्स जरूर बनाई होगी। तो कैटरीना कैफ का नाम शुरुआत में अक्षय कुमार के साथ जुड़ा था। दरअसल दोनों ने न केवल कई फिल्मों में साथ काम किया बल्कि उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी जबरदस्त दिखी थी। लेकिन जहां एक्टर ने लिंकअप को बकवास बताया तो वहीं कैटरीना आज भी करियर में सपोर्ट करने के लिए अक्षय का शुक्रिया अदा करती है। इनके अलावा कैटरीना का नाम सलमान के साथ तो आप कई बार ना केवल सुने होंगे बल्कि आपने भी इन्हें शादी के बंधन में देखने के लिए सपने भी देख लिए होंगे। कैटरीना और सलमान खान की जोड़ी पर्दे पर खूब पसंद की गई। दोनों एक साथ टाइगर जिंदा है, भारत, मैंने प्यार क्यों किया जैसे फिल्मों में नजर आ चुके हैं।
और कई बार इनके कयास लगाए गए कि ये दोनों शादी करके रहेंगे। वही सुनने में आया था कि 2005 में दोनों एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे, लेकिन जल्द ही दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। वही कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर करीब 6 साल तक रिलेशनशिप में रहे, दोनों लिव इन में भी रहते रहे, साथ ही उनकी बात शादी तक भी पहुंच गई थी। लेकिन कहा जाता है कि रणबीर शादी के लिए तैयार नहीं थे, जिससे दोनों का ब्रेकअप हो गया। इनके अलावा कैटरीना कैफ का नाम विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या के साथ भी जुड़ चुका है। दोनों को IPL के दौरान RCB को सपोर्ट करते देखा गया था, हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। वहीं कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की लव स्टोरी बेहद फिल्मी थी। एक्ट्रेस पहली मुलाकात में ही विक्की कौशल को दिल दे बैठी थी और इस बात को उन्होंने जोया अख्तर के सामने जाहिर भी किया। विक्की कौशल कैटरीना कैफ की लव स्टोरी की शुरुआत साल 2019 में हुई थी। जी सिने अवार्ड पर तो विक्की कौशल ने सबके सामने कैटरीना से पूछ ही लिया था कि मुझसे शादी करोगी। हर्षवर्धन कपूर ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कैटरीना और विक्की की डेटिंग की खबर लीक कर दी थी। एक्टर ने बताया था कि विक्की कैटरीना साथ हैं और अब हमेशा साथ रहने वाले हैं। वेल, इनकी जोड़ी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और अगर अब तक आपने विक्की कैटरीना को शादी की सालगिरह की बधाई नहीं दी तो सबसे पहले इन्हें बधाई दें। टीवी की मशहूर अदाकारा हिना खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक क्रिएटिव पोस्ट शेयर कर खलबली मचा दी थी। एक्ट्रेस ने इंस्टा स्टोरी पर बीती रात कुछ ऐसा लिख दिया कि एक्ट्रेस के फैंस हैरान रह गए। इसके बाद से सोशल मीडिया पर जमकर कयास लग रहे हैं कि टीवी सीरियल स्टार हिना खान का कहीं ब्रेकअप तो नहीं हो गया। अदाकारा हिना खान लंबे वक्त से प्रोड्यूसर रॉकी जायसवाल को डेट कर रही हैं। दोनों की गिनती टीवी इंडस्ट्री के पावर कपल की लिस्ट में होती है। एक्ट्रेस हिना खान और रॉकी जायसवाल की जोड़ी को फैंस खूब पसंद भी करते। यहाँ तक फैंस की निगाहें तो हिना खान और रॉकी जायसवाल की शादी देखने तक के लिए बेसब्र हो रही हैं। मगर इस बीच एक्ट्रेस हिना खान की क्रिएटिव पोस्ट ने फैंस की रातों की नींद उड़ा दी है। दरअसल बीती रात एक्ट्रेस हिना खान ने सोशल मीडिया पर एक इंस्टा स्टोरी शेयर की, जिसमें लिखा था, सिर्फ धोखा एक ऐसा सच है जो रहता है देर रात के विचार। अब आधी रात हिना खान ने अजीब ब्रेकअप वाला विचार सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इस सवाल ने फैंस के बीच खलबली मचा दी। बता दें हिना खान हाल ही में टर्की वेकेशन पर गई थी, जहां से अदाकारा ने कई दिनों तक अपनी वेकेशन ट्रिप की झलकियां फैंस के साथ शेयर की थी। हालांकि इस ट्रिप पर अदाकारा अकेली नहीं थी, उनके बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल भी उनके साथ थे। इसकी झलक रॉकी जायसवाल ने भी अपने इंस्टा पर शेयर की थी। इन फोटोज में आप देख सकते हैं कि अदाकारा हिना खान कितनी खुश नजर आ रही हैं और बहुत वो इंजॉय भी कर रही हैं। लेकिन इस बीच उनका ब्रेकअप कैसे हो गया? दिलचस्प बात यह है कि हिना खान और रॉकी जायसवाल का परिवार भी इन दोनों के रिश्ते को अपनी सहमति दे चुका है। कई दफा एक्ट्रेस अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ उनके परिवार के साथ फेस्टिवल मनाती दिखाई दी थी। अब ऐसे में इस पोस्ट ने फैंस के दिल को बैठा दिया है कि आखिर हिना खान क्या कहना चाहती हैं? साफ साफ क्या है इसका मतलब? अभी तक हिना खान ने इसका सही मतलब तो नहीं बताया, लेकिन कहा यही जा रहा है कि शायद हिना खान का भी ब्रेकअप हो गया है। आप इस पर क्या कहेंगे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।